हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश झा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रूट मोबाइल। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि इस टॉपिक पर कवर किया जाए, लेकिन नहीं कर पाया। तो फाइनली आज मैंने इसको आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कि क्या चल रहा है, क्या रूट मोबाइल में। सबसे तो पहले देखो कि आप यदि मेरे साथ पहले से जुड़े होंगे तो आप मेरे वेबसाइट से यूट्यूब पर जाते हैं। तो यूट्यूब पर मैंने इस वीडियो को इस टॉप को पहले ही कवर किया हुआ है। आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे यदि आप रूट डालते हैं, रूट, आप देखो कि इस स्टॉक को मैंने जो है 4 महीने पहले बनाया था, 3 महीने पहले बना कर दिया है, 5 मंथ्स पहले बना कर दिया है। तो हमने 5-5 महीने पहले बना कर दिया था। जब आपने 5 मंथ्स पहले आपने फॉलो किया होता तो हमने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे बताया था हमने 3 महीना पहले। रिसेंट का वीडियो है कि रूट मोबाइल शेयर्स पैसे बनाने का मौका, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यदि आपने हमें फॉलो किया होगा तो बहुत पैसा बना होगा आपको। इसको देखते हैं किस तरह से पैसा बना। आप 3 महीने पहले भी ऑब्जर्व करते हैं तो 3 महीने का ये चार्ट, तो इसमें आप देखो 3 महीने में स्टॉक, ये 3 महीने के जो ओपनिंग प्राइस है, यहाँ से स्टॉक अभी यहाँ पे है। तो ये आपको 64% कटा बन गया 3 महीने में। यदि आपने 5 महीने, 1, 2, 3, 4, 5 महीने पहले आपने किया होता तो आपको पैसा बन जाता 115%, लेकिन आपका पैसा डबल हो जाता, 1 लाख का 2 लाख, 2.25 लाख हो जाता। इस तरह से रिटर्न बना है। चलिए, एनीवे अभी भी अपॉर्चुनिटी है जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टॉक में डिस्कस करेंगे कि स्टॉक में क्या डेवलपमेंट चल रहा है, इसकी फंडामेंटल्स कैसी है, इसके टेक्निकल लेवल्स क्या बता रहे हैं, और हमें ट्रेडिंग एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करना चाहिए। हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊंगा। डिटेल एनालिसिस आप जरूर देखें, इसको काफी यूजफुल है। और सिमिलरली जो है आप जो है इस तरह एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं सर आप कैसे एनालिसिस करते हैं, मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ ताकि आपको भी समझ में आएगा किस तरह से किसी स्टॉक को एनालाइज करना चाहिए। सबसे पहले कोई भी स्टॉक जो है, जब कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में आती है तो आईपीओ के थ्रू इंटरेस्ट होता है। ये कंपनी ने आईपीओ ले गया था। इस कंपनी, ये जो कंपनी है रूट मोबाइल है, मतलब कि एक टेक्नोलॉजिकल बेस्ड कंपनी है। ये जो कंपनी है इसका 350 रुपीज में इसका 100 पैसा, कंपनी ने 3.5 पर बेचा था स्टॉक। तो जिस कंपनी में आपको ग्रोथ की विजिबिलिटी दिखती है, टेक्नोलॉजी है, मतलब कि एक जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसमें देखा सकता है, और खासकर लॉकडाउन में जो है काफी अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर हुई इस कंपनी के। यदि आप रेवेन्यू को देखोगे तो रेवेन्यू में जो है अच्छा खासा स्पाइक आया है। आप देखो कि इस कंपनी की जो है, आप देखो कि किस तरह से कंपनी ईयर ऑन ईयर जो है इनकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। जो कंपनी 16 में 367 करोड़ कमाती थी, इसका सेल्स होता था, वो अभी 1300 हो रहा है। इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, नेट प्रॉफिट 63 से 51 हो गया। ये आप देखो तो इस एक साल में ही वो डबल दिख रहा है। पिछले साल 19 और 2020 में कांस्टेंट था, लेकिन ये जो पैंडेमिक सिचुएशन आया इसमें इस कंपनी को कहीं पे किसी को लॉस, कहीं पे किसी को रिवार्ड। तो यहाँ पे ये इन्होंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया और यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है कि ऑलमोस्ट डबल जो है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है। तो ये आईपीओ के थ्रू कंपनी का बर्थ हुआ और स्टॉक मार्केट में आई। तो आप वहां से भी यदि आपने स्टॉक लिया होता तो आपका पैसा ऑलमोस्ट, तो हमने यहाँ पे मेंशन किया कि आपका पैसा जो है 412% का रिटर्न होगा। कैसे? तो आप देखो, ये 350 रुपये का शेयर्स था। अभी जो स्टॉक की प्राइस है वो आपको दिख रहा है कि 1792। यदि तो आप 1792 -350 करते हैं तो आपको इतना रिटर्न मिला। जिसको हम डिवाइड करते हैं 350 से, ऑलमोस्ट आपको दिखता है कि 412%। तो आपको यदि आपका इशू प्राइस से ही, आपको यदि आपको मतलब कि स्टॉक मार्केट में जब लिस्टिंग हुआ था उसी समय यदि आपको लॉटरी मिल गया होगा तो यू आर तो फॉर्चुनेट गाय, आपका पैसा 4 गुना हो गया। नहीं भी हुआ था, यदि आपने ओपन मार्केट में भी लिया होता, एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे आप देखो कि यहाँ पे जो है मैंने एक स्क्रीन शॉट रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे देखो कि ये जो है एवरेज कॉस्ट 828 है, अभी चल रहा 1792। यदि आपने ओपन मार्केट में भी लिया होता तो आपका पैसा डबल हो जाता है। इस तरह से रिटर्न बनाया जा सकता है। अभी स्टॉक में क्या क्या डेवलपमेंट चल रहा है उसको नजर मारेंगे।
तो काफी न्यूज में है स्टॉक। तो अभी रूट मोबाइल ने दो गोल्ड अवार्ड जीता है उसने, तो ये है 2021 में जूनिपर अवार्ड्स फॉर टेली टेलको इनोवेशंस, लीडिंग प्लेयर इन द इंटरप्राइज टेलीकॉम्युनिकेशन नेटवर्क सिक्योरिटी एंटी फ्रॉड मार्केट्स। इस फील्ड में जो है इनको अवार्ड मिला है। रूट मोबाइल इज लीडिंग क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म कैटरिंग इंटरप्राइज ओटीटी प्लेयर्स मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स। ये इस फील्ड में इन कंपनी की जो है सर्विसेज है। कंपनीज का जो रेंज है इंटरप्राइज कम्युनिकेशन सर्विसेज इंक्लूड्स स्मार्ट सोल्यूशन ए टू पी मैसेजिंग वॉइस ईमेल एसएमएस फिल्टरिंग एनालिटिक्स मोनिटाइजेशन। तो जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए हर एक फील्ड में कंपनी का सर्विस है। उसका एग्जाम्पल भी आप यहाँ देख सकते हैं, कंपनी के वेबसाइट पर जाएंगे आप तो देखेंगे आप। यहाँ भी आपको देखिए, इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ भी उन्होंने फ्रंट पे लगाया है कि उन्हें जो है दो गोल्ड विंस टू गोल्ड अवार्ड जो मिला है 2021 में। नीचे आप ब्राउज करेंगे तो इनकी जो है दिखेगा, ये सब जो है मैसेजिंग वॉइस फायरवॉल ऑपरेटर इस सब में जो है कंपनी की सर्विसेज है। यदि उनके आप कस्टमर को देखेंगे आप, दीज आर द कस्टमर्स जो ट्रस्ट करते हैं, आईसीआईसी बैंक, माइक्रोसॉफ्ट, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जो हम लोग यूज करते हैं, अमेजन, गूगल, डिजिटल, एयरटेल, हच, दीज आर द जो ब्रांडेड ब्रांडेड जो कंपनी है जिस जहाँ पे कम्युनिकेशन यूज किया जाता है उनको सर्विस प्रोवाइड करती है। काफी अच्छा ग्रोथ है स्टॉक में। तो ये लिखा है कि इसमें द पैंडेमिक हैज लेड टू एक्सेलरेटेड अडॉप्शन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन मैसेजिंग चैनल्स। तो ये पैंडेमिक ने एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया है, इंक्लूडिंग इंटरप्राइज वॉइस सॉल्यूशंस, आईपी बेस्ड मैसेजिंग, यूनिफाइड कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस, डिफरेंट डिफरेंट ये सब जो जो तरीका है जिससे कम्युनिकेशन किया जा रहा है। और मैनेजमेंट बोल रही है कि एक नेक्स्ट जनरेशन के प्रोडक्ट पे जो है वर्क हो रहा है, इसमें आपका मोबाइल आइडेंटिटी एज सर्विसेस ये है, और एक गूगल मैप बिजनेस, जब आप मान लें कि बिजनेस कर रहे हो गूगल के थ्रू तो वहां भी आप जो है अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। एक मैसेजिंग के प्लेटफॉर्म में जो है गूगल मैप बिजनेस आपको वर्क करता है, वहां पे वो सब सर्विसेस आपको वहां पे आते हुए दिखेगा। जिस तरह से कंपनी में डेवलपमेंट हो रहा है तो वहां पे आपको कंपनी के जो फंडामेंटल्स भी चेंज कर रहे हैं, न्यूज का डेवलपमेंट हो रहा है, और जो बड़े प्लेयर हैं वो भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो FPI है उन्होंने भी अपना स्टेक बढ़ाया। तो उन्होंने 540 पॉइंट से अपना स्टेक बढ़ाया है। तो पहले उनका 10% का स्टेक था, अभी 15% का स्टेक देखा जा रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेवलपमेंट दिख रही है, उसको आप यहाँ भी हम एनालाइज कर सकते हैं। तो यदि आप यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टर्स है, यहाँ पे आप देखो कंपनी के जो FIIs हैं उन्होंने स्टेक बढ़ाया है 10% से 15%। तो DII ने स्टेक कम किया है और FI ने बढ़ाया है। FI जब अपना स्टेक बढ़ाते हैं तो कम स्टॉक में जो है स्टॉक काफी ट्रेंडिंग में जाता है, काफी उसमें जो है एक अपसाइड देखा जाता है, वो अपसाइड आपको दिख जाता है, स्टॉक ट्रेंडिंग है। और एक डेवलपमेंट है कि इन्होंने जो है एक जैसे उनको ग्लोबल प्रेजेंस करना है तो उन्होंने एक जो है अपॉइंट किया है मिस्टर विक्रम शानबाग एज एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के, जो 1 फरवरी से इफेक्टिव है। इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मार्केट डेवलपमेंट, एक्विजिशन ऑफ न्यू कस्टमर अमेरिका, तो जो कि इनलाइन है विथ रूट मोबाइल्स विजन एंड ऑब्जेक्टिव विच आर एक्सपैंड ग्लोबली, ड्राइव प्रोडक्ट इनोवेशन इंटर न्यू मार्केट। कंपनी का जो विजन है कि नए मार्केट में एंटर करना है और न्यू इनोवेशन करना है, उसके लिए एक स्टेप्स है। दीज आर द जो जो मुझे लगा कि ये सब न्यूज जो है एक कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है स्टॉक प्राइस के अप्रिशिएट करने में। तो अभी हम थोड़ा सा देखते हैं कि स्टॉक की जो फंडामेंटल्स है वो फंडामेंटल्स भी काफी जो है अच्छी है। आप यहाँ पे देखें कंपनी जो है अभी बहुत छोटी कंपनी है, आप यहाँ पे देखो कंपनी 9,000 करोड़ की कंपनी है और रिटर्न रेशियो 28% है। कंपनी के पास 492 है, तो डेट फ्री कंपनी है। कंपनी के रिटर्न इक्विटी के जो ट्रैक देखेंगे तो 3 साल का भी आपको दिख रहा है कि 29 29, जो हमें 15% से ऊपर चाहिए। और कंपनी के जो है आपका सेल्स भी ग्रो कर रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रो कर रही है।
प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे देखिए। चलिए तो कंपनी ओवरऑल फंडामेंटली भी अच्छी है, ग्रोथ का प्रॉस्पेक्ट है। चलिए अब टेक्निकल देखते हैं कि किस तरह से प्ले आउट हो रहा है। इस स्टॉक को जो है, इस स्टॉक को मैं काफी लंबे समय से रिकमेंड करते आ रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे, आप हमारे ट्विटर पे आएंगे तो हमने रूट मॉइल को जो है बहुत पहले से, अब देखो कि जब ये 688 का हुआ करता था उस समय से ही मैंने उसको रिकमेंड करना चालू किया, और 688 से अभी तक जो है मैं इसको रिकमेंड करते आ रहा हूँ। हर एक प्राइस 955, 804, हर एक प्राइस पे हमने इसको रिकमेंड किया है। अभी 1187, 118, रिसेंट का भी जो है हमारा ट्वीट है, हम 5 घंटे भी ट्वीट किए हैं। तो आप ट्विटर पर यदि आप जुड़े हैं तो आपको सारी आपको डिटेल मिल जाएगी। टेलीग्राम पे भी आप यहाँ पे आपको आपके जो है हमारी रिकमेंडेशन आपको मिलेगी, और एक फ्रंट पेज है जहाँ पे हम टाइमली रिकमेंड करते हैं। लाइव मार्केट में हम आपको एनालिसिस देते हैं, जैसे आप देखो कि जैसे रूट मोबाइल को आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे मैंने इसको रिसेंट में ही जो है 11 फेब को जब स्टॉक मोमेंटम आया था तो 1272 पे हमने आपको स्टॉक बताया था। अभी आप देखो कि स्टॉक 1792 चला गया, तो 1792 माइनस आप 1272 करो, डिवाइडेड बाय 1272, तो आपको जो है आपको 4 दिन में, इसमें 2 दिन सैटरडे संडे आ गया, 40% रिटर्न बन गया। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है फ्रंट पेज का, ये आपको 15 से लेके 50% रिटर्न मिले, तो उस ऑब्जेक्टिव पे हम वहाँ पर वर्क करते हैं। आप भी यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं लाइव मार्केट में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रंट पेज का है, वहां से आप सर्विसेज ले सकते हैं। यहाँ पे टाइमली रिकमेंडेशन आती है। अभी हम टेक्निकल देखते हैं कि स्टॉक का, आप देखोगे तो स्टॉक जो है, ये जो स्टॉक आप डेवलपमेंट देखोगे तो ये स्टॉक पहले कंसोलिडेट कर रहा था कुछ दिनों से। आप देखो तो कुछ दिनों से स्टॉक में कंसोलिडेशन चल रही थी। एक लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये लाइन आप देखो कि ये स्टॉक जो है बार बार इस लेवल पा के ये जो है रिटेस्ट कर रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे आपको एक जो है ब्रेकआउट दिखता है, और ये जो कैंडल बना है एक तरह से आपको देख सकते हैं कि बुलिश मार्गो जो है, बुलिश मार्ग वो जो मतलब कि देयर इज बायर, एवरी पैस हर एक पैसा बायर बैठा हुआ है, बाय कर रहा है और स्टॉक को ऊपर लेके गया। इसके बाद उसने अगला कैंडल जो है वो इंडिसिजिव कैंडल बनाया है, और उसके बाद उसके हाई को तोड़ के जा रहा है। हालांकि इंटरडे में थोड़ी प्रॉफिट रुकी हुई है, लेकिन अभी भी कैंडल बुलिश है, तो ये तो आराम से यहाँ तक तो जरूर आएगा 1900 के आसपास जो उसने हाई लगाया था, और उसके ऊपर भी मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको जल्दी जो है, अभी जैसे स्टॉक 1792 पे क्लोज किया है, 1792 जो है अभी की करंट मार्केट प्राइस है, और मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो है आपको 2250 एंड 2500 भी लेवल आपको दिख सकता है। उसमें एक स्टॉप लॉस फॉलो करें तो स्टॉप लॉस का लेवल जो है मैंने आपको यहाँ पे दिया है। स्टॉप लॉस में लगता है कि यदि आप शॉर्ट टर्म का स्टॉक काफी मोमेंटम है तो स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा दूर रहेगा। स्टॉप लॉस तो 1610 एंड 1365, इसमें जो स्टॉप लॉस आ जाएगा आपका 1610 और 13, से लंबा खेलना है तो 1365 यूज करिए, और यदि शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो 1610, जब तो नहीं टूटता है स्टॉक अप ट्रेंडिंग है, ये लेवल आपके लिए यूजफुल रहेगा। स्टॉक जो है जिसको हम वीक ऑन वीक देखते हैं तो वीक ऑन वीक भी काफी डेवलपमेंट हो रहा है। यदि आप इसको मंथ ऑन मंथ देखेंगे तो आपको देखेगा कि कुछ महीनों से जो है हायर टॉप हाई बढ़ा रहा है स्टॉक में। जब हायर टॉप हाई बनता है इसका मतलब स्टॉक कुछ अलग काम करना चाह रहा है, और ये इस तरह की स्टोरी जो है कुछ अलग ही बता रहा है स्टॉक। तो पूरा टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो स्टॉक जो है एक ओवरबॉट जोन में है, RSI 85 है, और वॉल्यूम बेस्ड बाइंग हुई है। आप कुछ दिनों से देखें, 3 4 दिन से जो है वॉल्यूम बेस्ड बाइंग हो रही है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग साइन है। कोई तो बाई कर, स्ट्रॉन्ग प्लेयर बाई कर रहा है, वो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है आपको डेवलपमेंट जैसे हमने FPI का दिखाया वैसे आपको दिखेगा, कोई किसी ने और बड़े प्लेयर ने बाई किया होगा स्टॉक को। स्टॉक जो है अप ट्रेंडिंग है, तो इसमें जो मुझे तो इसमें जो कोई न्यूज डेवलपमेंट वो बता दिया मैंने आपको, उसमें मैंने आपको वेबसाइट पे बताया क्या क्या सर्विसेज कंपनी कर रही है, फंडामेंटल्स मैंने कवर किया, और हमने आपको रिटर्न का भी एग्जांपल देखा है कि इस तरह से जो है रिटर्न बन सकता है, इससे भी अच्छा रिटर्न बन सकता है यदि आपने आपका यदि आपको जो IPO के थ्रू में यदि मिला हो तो। इस तरह के जो आप एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए, jagdeesha.com को विजिट कीजिए, वहाँ पे क्लासेस मिल जाएंगी, क्लासेस आप देख सकते हैं वहाँ पे। हमेशा लर्निंग पे फोकस कीजिए, तो
आप यदि सिस्टमेटिक वे में सीखना चाहते हैं तो हमारे क्लासेस विजिट कीजिए। और ये हमारा व्हाट्सएप है, किसी तरह का डाउट है तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, तो व्हाट्सएप नंबर ये नया नंबर है, आप इस पर पिंग करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, कुछ भी तरह का डाउट है पूछ सकते हैं। और यदि आप रिव्यू पढ़ना चाहते हैं तो हमारी क्लासेस के रिव्यू भी है गूगल में, जगदीश स्टॉक मार्केट क्लासेस एंड कंसल्टेंसी डालिए, वहाँ पे आपको रिव्यू मिल जाएगा, वहाँ पढ़ सकते हैं। और अभी तक स्टॉक मार्केट में आपका डीमैट अकाउंट नहीं खुला है तो यहाँ पे ओपन डीमैट अकाउंट करके है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो उससे जो है जो भी आपको सपोर्ट गाइडेंस चाहिए वो वहाँ पे मिलेगा, अकाउंट खुलने से पहले, अकाउंट खुलने के बाद भी। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में डालें। इस तरह के एनालिसिस और किसी स्टॉक पर चाहते हैं तो वो भी आप डालें, और वहाँ पर जितने उस जो है कमेंट को लाइक होगा उस पर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। और आप किस लेवल पर स्टक हैं या आपको निकलने का मूड कर रहा है तो आप जो भी है आप वहाँ पर डालें, हम उसका आंसर करेंगे। मैं होप करूँगा कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा ये वीडियो। यदि आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर कीजिए। इस तरह के वीडियो मैं आने वाले समय में भी बनाते रहूँगा। तो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।